So hello and welcome Saqib to Bollywood Now and hearty congratulations. मतलब 83 के वक्त आपको देखा था and now unpaused. मतलब इतना variation वो भी इतने कम time में. मतलब how are you managing it? I don't know यार सच्ची बताऊँ मुझे नहीं पता. Honest जवाब तो ये है, ऐसा कोई plan नहीं है life में कि ऐसा करूँगा फिर वैसा करूँगा. But just enjoying the kind of work that is being offered to me. आ गए यार. I just shot for it. In fact, I just shot for Unpaused. I shot मतलब 83 तो shoot किए थे, 2 साल हो गए. तो उसके 2 साल बाद Unpaused shoot किया, but वो back to back आ रहे. So it's a good feeling यार. People seeing me in two different lights. So yeah, it's like you said, it's a great time. It's just making me happy that there is interesting work coming out for me. या मतलब I am personally keen to know कि टीम तिगाड़ा क्या है और आपका जो प्रोसेस रहा है. मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका. सो हाउ वाज इट कि क्या वो एक फैक्टर था व्हिच मेड यू कि ये स्क्रिप्ट आपको मतलब करनी ही है? इट वाज अ वेरी जेन्युइन एंड हार्टफेल्ट स्क्रिप्ट है. जब मैंने पढ़ा आई रिलेटेड विद इट बिकॉज वी ऑल लिव्ड थ्रू द लॉकडाउन. तो बहुत रिलेटेबिलिटी है स्क्रिप्ट में. जब भी बहुत सारी चीजें होती हैं आपको लगेगा अरे ये तो हुआ था, अरे ये उसके चिंटू की मम्मी के चाचा के साथ ये हुआ था, अरे बट वो पड़ोस वाली आंटी के घर तो ये हुआ था. तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिलेटेबिलिटी. दैट वाज समथिंग दैट आई उसने मुझे कहीं ना कहीं टच किया उस रिलेटेबिलिटी ने. बिकॉज उस रिलेटेबिलिटी से बहुत सारी चीजें होती हैं फिल्म में एंड वो आपको अफेक्ट करती हैं. ऑल्सो द फैक्ट दैट जो मेरा कैरेक्टर है चंदन, बहुत मेरे लिए इट इज अ डिपार्चर फ्रॉम एनी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव डन. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव डन इट्स अ डिपार्चर फ्रॉम दैट. आई यूजुअली डू दीज अर्बन हैप्पी गो लकी कैरेक्टर्स, राइट? सो नाउ आई वाज प्लेइंग अ गाय फ्रॉम यूपी हु हैड अ डायलेक्ट, फ्रॉम बिहार इन फैक्ट, हु हैड अ भोजपुरी डायलेक्ट. द ब्रीफ गिवन टू मी वॉज डोंट कोम योर हेयर, डोंट कट योर बियर्ड, डोंट इवन कलर योर दाढ़ी. If it's turning little white, let it turn white. Don't even put makeup. I'm like, अरे great यार, there is a director who's seeing me in a different light. Yeah. Who doesn't want me to just blow dry my hair and put it up and look all good. He wants me to look a character. So when I work with people like that who are invested in characters, I start enjoying that process. Because मुझे बहुत मजा आया रुचिर के साथ काम करके. I felt like वो बहुत invested director है अपने actors में, अपनी film में, अपने crew में बहुत invested रहता है वो. वो मतलब we've shot for some long hours for this film, but वो हमेशा ही उछलता रहता था, उसमें इतनी energy थी. So I feel like when you work with such passionate people around, you also try and keep pushing yourself a little more. Yeah. Because you also want to bring your A game to the table. And I think that is what has happened. I've enjoyed working with Ruchir and both my co-actors, Ashish and Sam. I think बहुत 4 दिन shoot, 3.5 दिन हमने shoot किया, 4 दिन हमने readings वगैरह की. Process बहुत छोटा था, मतलब time frame बहुत छोटा था, but I feel learnings बहुत थी इसमें. बहुत मजा आया to play off different energies, to play off different actors. दोनों FTI के actors हैं, trained actors हैं. Yeah. मैं दिल्ली का actor हूँ. तो तो एक अच्छा हमने एक मिश्रण बनाया, एक अच्छा बैंटर प्ले हो रहा था एक दूसरे के बीच में. तो आई थिंक और वो हमें स्पेस भी दी रुचिर ने खेलने के लिए. सो आई फील लाइक जब आप ऐसा आपको करने को मिलता है एज एन एक्टर, यू रियली एंजॉय दैट स्पेस बिकॉज यू कैन क्रिएट अ कैरेक्टर दैट इज योर क्रिएशन एंड यू've एडेड एवरीथिंग टू इट. सो आई फील लाइक दैट स्पेस वॉज गिवन टू ऑल ऑफ अस बाय रुचिर. सो दैट्स व्हाई इट वॉज अ फिल्म दैट आई रियली एंजॉयड वर्किंग ऑन. Yes, again, as you mentioned, बहुत सारे variations थे, बहुत कुछ सीखने को मिला. So was it challenging portraying this character on the screen? So what all the challenges were there? यार, like I said, मैं ना trained actor नहीं हूँ, तो मुझे ना process में हर film पे कुछ नहीं बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं इस बार इसको ऐसे approach करके देखता हूँ, इसको ऐसे approach करके देखता हूँ, ये अगर ऐसे करूँगा तो कैसे होगा. So because मेरा कोई fixed system नहीं है ना, तो मुझे 99 क्या 100% चीजें जाके ना सेट पे ही समझ आती हैं कि कैसे करूंगा. दिमाग में कितना भी प्रिपेयर कर लूं, बट एक्चुअली हमारा काम तो सिर्फ एक्शन और कट के बीच में है ना, उससे पहले तो सिर्फ बातें.
तो मैं ऐसा प्ले कर दूं, इसको सर मैं ऐसा भी प्ले कर सकता हूं, बट वो करना जो है वो एक्शन और कट के बीच में ही करना है. सो मोस्टली मोस्ट ऑफ माय थिंग्स, मोस्ट ऑफ माय कैरेक्टर्स हैपन ऑन सेट. ऑफ कोर्स आई डू माय होमवर्क, आई राइट माय बैक स्टोरी अबाउट व्हाट माय मोटिवेशंस इन द स्क्रिप्ट आर, ऑल दोस थिंग्स. बट आई फील लाइक असली चालू तो सेट पे ही होता है, मतलब जो एक्शन और कट के बीच में ही है. यस यू कैन प्रिपेयर एज मच एज यू वांट एंड इट विल हेल्प यू योर प्रिपरेशन, बट यू हैव टू परफॉर्म इन दैट गिवन टाइम. सो जो ऐसे कैरेक्टर्स को जब आप कर रहे होते हो, बिकॉज आप ने कभी ये पहले किया नहीं है, आप शायद इस आपने लाइफ भी नहीं देखी इतनी, सो आई फील लाइक वो करने में चैलेंज तो होता है, बहुत चैलेंज होता है, बिकॉज आप कोई कहीं ना कहीं अपने दिमाग में कुछ रेफरेंस ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है. और बिकॉज जब आप फीचर फिल्म कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास बहुत दिन होते हैं अपने कैरेक्टर को समझने के लिए. आप जब शॉर्ट फिल्म कर रहे होते हैं, आप 3-4 दिन में शूट कर रहे होते हैं, तो आपको जल्दी समझना पड़ता है. आप ये नहीं कह सकते अच्छा इस सीन में नहीं तो अगले सीन में मैं संभाल लूंगा, वो नहीं कर सकते. इसमें हर सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो चैलेंजेस तो ऑफकोर्स थे, बट एक्टिंग करने में मजा आता है यार. थोड़ी बहुत होती है, वो वही करना आता है तो मजा आता है, तो चैलेंज अच्छा लगता है. क्या साकिब, आपसे आपके बातों से लग रहा है कि आपने कैरेक्टर पर बहुत ज्यादा मेहनत की है. So, वो एक चीज आपने जो कैरेक्टर से आप रिलेट कर पाते हो, क्या कुछ आपने ये मेंशन भी किया कि आप बहुत कुछ सीखे हो इस कैरेक्टर से, तो वो क्या चीज थी? यार जो रिलेट करता हूँ वो ये बात कि ये जो कैरेक्टर है ना, ये उन लोगों में से है, जब पैंडेमिक चालू हुआ था ना, तो बहुत सारे लोग थे जो कंट्रोल कर रहे थे सब कुछ कि ऐसे ही होगा, मैं बताता हूँ, अरे मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, अरे 4 दिन में खुल जाएगा, 2 दिन में खुल जाएगा. He was one of those guys and there came a day in all those people's life and they realized they had no control. ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है और मैं उन लोगों में से हूँ, मैं रियल लाइफ में. सो दिस इज द कॉमनैलिटी बिटवीन मी एंड दिस कैरेक्टर, विच इज द थ्रेड आई नीडेड टू कनेक्ट विद माई कैरेक्टर एट सम लेवल. एंड देन उसके बाद तो फिर हर रीडिंग पे कुछ नया निकलता था, कुछ वो खुद ही आ जाता है यार. वो ना वो मतलब खुद ही होता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है पता नहीं, बट वो खुद ही होता है. कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, बट वो खुद ही होता है. Well, साकिब, ये तो रियल लाइफ हुआ. रियल लाइफ में जब पैंडेमिक आ, तो क्या कुछ आपको एक्सप्लोर करने मिला खुद के बारे में, लाइफ के बारे में? बिकॉज मेनी ऑफ देम सेड मेनी थिंग्स कि इतना कुछ मेरे को सीखने मिला. सो आप पर्सनली क्या सीखे हो, या फिर वो एक चेंज इन लाइफ जो बोलते हैं ना, चेंज इन लाइफ. मुझे पहला जब लॉकडाउन हुआ तब तो नॉवेल्टी थी ना, उससे पहले कुछ ऐसा कभी हुआ नहीं था. एक्साइटमेंट थी लॉकडाउन की कि अच्छा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अच्छा ऐसे होगा, अब घर पे ही रहना है, कुछ काम नहीं करना. तो पहले 15-20 दिन तो मस्ती मजाक में निकल गए, अरे क्या खाएंगे, क्या बनाएं आज घर पे, अच्छा मैं बर्तन कर रहा हूँ, आप झाड़ू लगा दो, ये कर दो, वो ये सारे आपको मजे आ रहे थे, चलो लूडो खेलते हैं, तो ये करते हैं, वो करते हैं, अरे वो खेल लो. सो आफ्टर ऑल ऑफ दैट ना, तो पहला लॉकडाउन तो इसी में निकल गया, टू बी रियली ऑनेस्ट, कि अरे अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. I think what really affected me was the second lockdown. और इन सब पूरे टाइम में ना मुझे अपने साथ बहुत टाइम स्पेंड करने को मिला, जो मुझे पिछले 10-12 सालों में मिला ही नहीं था. जब से मैं बॉम्बे आया था, मैं सिर्फ भाग रहा था, कभी कोई मीटिंग, कभी कोई ऑडिशन, कभी कोच, कभी ये, कभी ट्रैवल, दिस दैट, एंड आई वॉज ऑलवेज सराउंडेड विद पीपल. सो आई थिंक आई गॉट कंफर्टेबल विद माई सेल्फ अगेन. अकेले रहने से मुझे अब कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, मैं खुशी खुशी रह लेता हूँ. पहले नहीं रह पाता था, जैसे मैं अकेला होता था मैं 2-4 दोस्तों को फोन कर देता था कि आ जाओ डिनर करते हैं, ये करते हैं, बट अब मैं कंफर्टेबली अकेला बैठ के एक किताब या टीवी या कुछ लिख सकता हूँ, और मैं बहुत कंफर्टेबली कर सकता हूँ वो, कि मुझे कोई टेंशन नहीं है. साकिब, as you said कि you got to know so much about yourself during the pandemic. So, क्या नया टैलेंट आपने एक्सप्लोर किया? क्योंकि बहुत लोगों को हमने देखा कि कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पंखा साफ कर रहा है, कोई म्यूजिक सीख रहा है. आपका क्या टैलेंट आपने नया एक्सप्लोर किया पैंडेमिक में? यार मैंने लिखना वापस शुरू किया. मैं लिखता था पहले कॉलेज में, फिर बॉम्बे आके थोड़ा मैं भूल गया लिखना,
मतलब मैं थोड़ा बिजी हो गया या बोर हो गया लिखने से, पता नहीं क्या, बट आई फेल्ट लाइक उस पैंडेमिक में मैंने अपने आप को रीडिस्कवर किया और मुझे मजा आने लगा लिखने में, तो वो एक चीज लगी मुझे। ओके सो सागर, दिस कैरेक्टर इज बट ऑब्वियसली स्पेशल फॉर यू, सो इस कैरेक्टर के बारे में आप और क्या ऑडियंस को बताना चाहोगे कि ये कितना स्पेशल है और क्यों? मैम वैसे ही शॉर्ट फिल्म है, इससे ज्यादा बता दूंगा तो पूरी पिक्चर बता दूंगा। तो इसलिए January 21 को आ रही है, ज्यादा दिन बचे नहीं, अभी आ जाएगा ट्रेलर थोड़ी दिनों में, तो आप ट्रेलर देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। और 5 शॉर्ट फिल्मों की एंथोलॉजी है और बहुत बहुत काबिल डायरेक्टर्स हैं। नुपुर अस्थाना ने फिल्म बनाई है, नागराज मंजुले ने एक फिल्म बनाई है, अय्यप्पा ने एक फिल्म बनाई है, रुचिर की फिल्म है। So it's an anthology of 5 short films. It's got some really exciting actors that I'll personally like. तो आइए देखिए, relate करिए इन कहानियों से और बस enjoy करो। 21st को आ रही है और क्या करना है, घर बैठो, वैसे ही lockdown लगने वाला है। साकिब जाते जाते एक छोटा सा rapid fire round खेलेंगे हम लोग, which is related to, I'll give you some celebs का name and you have to relate it to some sweet dish या फिर Indian cuisine. अच्छा, ओके सो लेट्स स्टार्ट इट विद सलमान खान। भाई तो इज बिरयानी सेलिब्रेशन ना। या सेकंड इज दीपिका पादुकोण। तिरामिसू, सॉरी तिरामिसू। ओके ओके यस। कैटरीना, अरे मैं ओरियो, ओरियो चीज के, ओरियो या यस। अक्षय कुमार, सर तो फिट आदमी है यार। या तो फिट लोग तो मतलब, बट जस्ट बिकॉज ही इज फ्रॉम पराठा वाला गली, आई विल से पराठा। ओके लास्ट इज शाहरुख खान। मुर्ग मुसल्लम। एंड योरसेल्फ? मैं गुलाब जामुन। वाओ स्वीट स्वीट, यस, विदाउट द पिस्ता इन द मिडल। ओके वेल सागर, जाते जाते एक छोटा सा फैंस के लिए आप क्या कहना चाहोगे मैसेज? आई जस्ट वांट टू से थैंक यू गाइस फॉर गिविंग मी सो मच लव, वेदर इट इज फॉर 83 और फॉर द वर्क आई हैव डन बिफोर। Thank you that you've had this faith on me that I would be doing good work. So thank you guys, keep the faith and I promise that I'll be doing more exciting stuff that you can enjoy and and we'll be connected always. Thank you so much Saqib, and once again congratulations and we are waiting for your more and more projects. Thank you so much. Thank you Baba, bye. Thank you.